हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स और खासकर बार बार कंधा उतरने की प्रॉब्लम की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बार बार कंधा उतरना एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कि प्रॉपरली हर जगह इलाज उपलब्ध नहीं है। काफ़ी सारी जगह क्या होता है कि लोग जाते हैं तो झाड़ा फूँक, टोना टोटका, इस तरीके से उसका इलाज करने की कोशिश की जाती है। काफ़ी जगह हाथ पर एक प्लास्टर सा बांध दिया जाता है डिसलोकेशन के बाद, और ये कहा जाता है कि कुछ दिनों बाद ये अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन डिसलोकेशन अपने आप कभी भी सही नहीं होता। अगर आपका पहली बार कंधा उतरा है तो फिर भी चांस है कि दोबारा ना उतरे, लेकिन अगर दो बार कंधा उतर गया है तो फिर उसके बाद तो तीसरी बार, चौथी बार वो लगातार उतरता ही जाता है जब तक कि आप उसका प्रॉपर समुचित इलाज नहीं करवा लेते। होता क्या है कि जो हमारा कंधा होता है वो एक बॉल और एक सॉकेट जॉइंट की तरह एक्ट करता है। इसमें जो सॉकेट होता है उसकी दीवार टूट जाती है, जिसे बैंकार्ट लीजन कहते हैं, और इस वजह से जब भी बॉल उस टूटे हुए हिस्से के पास जाती है तो बाहर निकल जाती है, जिसे डिसलोकेशन कहते हैं। बार बार जब बॉल बाहर निकलती है तो बॉल पर भी एक खड्डा पड़ जाता है, जिसे कि हिलसैक लीजन कहते हैं, और लगातार बॉल के बाहर निकलने से कंधे की आर्थराइटिस हो सकती है, कंधे में आगे जाके भविष्य में प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके अलावा बोन लॉस बढ़ता जाता है, और जब बोन लॉस बढ़ता जाता है तो उसके बाद डिसलोकेशन को रिपेयर करना और ज़्यादा मुश्किल होता जाता है। ऐसे में दो तरह के प्रोसीजर्स हैं जिनके द्वारा डिसलोकेशन को ट्रीट किया जा सकता है। अगर आपके डिसलोकेशन बहुत कम हुए हैं और बोन लॉस बिल्कुल नहीं है तो बैंकार्ट लीजन, बैंकार्ट रिपेयर किया जा सकता है जो दूरबीन की सहायता से होता है। और अगर डिसलोकेशन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और आपकी उम्र कम है, आगे जाकर आप मेहनत मशक्क़त का काम, जिम, बॉडी बिल्डिंग, स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, तो एक एडवांस प्रोसीजर कर सकते हैं जिसे कि लेटार्जेट सर्जरी कहा जाता है। लेटार्जेट सर्जरी को दोस्तों कई लोग ओपन सर्जरी से कंफ्यूज कर जाते हैं। दोस्तों, ओपन सर्जरी जिसे कि पहले के ज़माने में पुट्टी प्लेट कहा जाता था, उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, लेकिन लेटार्जेट तो बैंकार्ट से भी एडवांस प्रोसीजर है, उसके रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन होते हैं। 3 से 4 महीने में तो आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हो, आपके कंधे के मूवमेंट्स भी पूरे आ जाते हैं, और उसके बाद आपको स्पोर्ट्स और किसी प्रकार का डिसलोकेशन की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। आज हमारे साथ एक और फाइटर मौजूद है जिनके की सेम प्रॉब्लम के लिए सर्जरी हुई है, तो आइए इनकी स्टोरी जानते हैं कि इनको कंधे की प्रॉब्लम कैसे हो गई थी, इन्हें हमारे बारे में कैसे पता चला, इनके यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आप लोगों को ये क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम सुमित कुमार है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं जीने पे से गिर गया था, पानी भरा था ना तो ये फिसल गया था, तो स्लिप के होने के चक्कर में गिर गया, फिर कंधा उतर गया था मेरा उसी टाइम। बार बार ऐसे ही मेरा 10-12 बार उतर गया था, कभी बस में उतर गया था, कभी बॉल फेंकते हुए उतर गया था, फिर ये बार बार उतर रहा था। आप जब कंधा उतरता था सुमित, तो आपको क्या दिक्कत आती थी? दर्द होता था, क्या दिक्कत होती? दर्द होता था बहुत, ऐसा लगता था जैसे पता नहीं बहुत दर्द होता था। और आप कंधा खुद चढ़ा लेते थे या आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता था? खुद चढ़ा लेता था, इतना दर्द होता था कि अपने आप चढ़ जाता था। आपने कभी इसे किसी डॉक्टर को दिखाया था? आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन थी कि ये कोई बीमारी है या क्या चीज़ है? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हड्डी वाले को डॉक्टर को दिखाया था एक को, जो उसने ऐसी प्लास्टर लगा दिया था, उससे कुछ नहीं हुआ था। 2-3 बार प्लास्टर लगाया पर उससे कुछ आराम नहीं मिला। आपको हमारे बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो कैसे लगी? सर, यूट्यूब पे देखा था आपकी वीडियो, उससे मिली थी। तो आप जहाँ पर आए, आपका जो ऑपरेशन के दौरान का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितना दर्द हुआ आपको ऑपरेशन में? एक्सपीरियंस तो सही था सर, दर्द का तो पता ही नहीं चला, कोई दर्द नहीं हुआ आपको? काफ़ी सारे लोग ऐसे घबराहट में रहते हैं कि जैसे यूट्यूब पर जो चीज़ दिखाते हैं पता नहीं सही होगी नहीं होगी, हो सकता है कोई मिसगाइड कर दे, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था इस बारे में? सर, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था सर, स्टाफ भी यहाँ के अच्छे थे और सब बढ़िया हो गया जो भी हुआ। तो अगर मान लो किसी को बार बार कंधा उतरने की प्रॉब्लम है, तो आप उसको एडवाइस करोगे कि वो यहाँ जयपुर में आके अपना इलाज करवा सकता है? एडवाइस बिल्कुल करेंगे, 100% श्योर, सोचने वाली बात ही नहीं है, पूरे भारत से आना चाहिए सबको। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि आपको जो ये पट्टा है वो 6 हफ्ते के लिए लगा के रखना है, जो टाँके हैं वो आपको 17 दिन के लिए लगा के रखने हैं, ठीक है? 17 दिन बाद आपके टाँके निकल जाएंगे, उसके बाद आप कसरत करना स्टार्ट कर सकते हो। शुरू में आपको हाथ को खोलना बांधना है, खाना पीना और छोटे मोटे काम तो आप कल से ही स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? दोस्तों, समय समय पर सुमित को हम एडवाइस देते रहेंगे, वीडियो से इनको एडवाइस मिलती रहेगी, बार बार इनको दिल्ली से जयपुर आके इलाज कराने की ज़रूरत भी नहीं है, एक ही चक्कर में इनका पूरा काम कम्प्लीट बहुत ही वाजिब खर्चे में हो गया है। अगर आपको भी डिसलोकेशन बार बार होता है कंधे का, तो आप टोना टोटका या झाड़ा फूंक के चक्करों में मत पड़िए। पहलवान पट्टी लगाने से, मालिश करने से, फिजियोथेरेपी से सही होने वाली प्रॉब्लम ये नहीं है। आप अपने जो MRI रिपोर्ट है, MRI करवाइए अगर आपने नहीं करवाई है तो, और नीचे लिखे गए नंबरों पर मुझे व्हाट्सएप करिए। और अगर कई बार ऐसा लगता है कि आप वहाँ पर MRI नहीं करा पा रहे, आपका शहर छोटा है, MRI की समुचित व्यवस्था नहीं है, तो आप हमारे पास आ जाइए, हम आपके MRI बहुत ही कम खर्चों में 3 Tesla MRI करवा देंगे। बेस्ट ऑफ लक सुमित, और धन्यवाद दोस्तों।